साथियों, चीन के कारण आज हर कोई व्यक्ति फिर से स्वदेश की बात करने लग गया है। स्वदेशी माल अपनाएंगे, स्वदेशी माल खरीदेंगे, ये बहुत शानदार बात है। अगर हम सभी लोगों के अंदर स्वदेश भक्ति की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, स्वदेशी गुड्स के लिए अपनेपन की भावना फैल जाएगी तो देश के अंदर बाकी आर्थिक तरक्की शुरू हो जाएगी। दरअसल अगर हम आज़ादी के पहले के दौर को देखें तो हम देखते हैं कि उस वक्त अनेक नेताओं ने देश के लोगों का आह्वान किया था कि आप स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। उस बाद में, आज़ादी के बाद में, धीरे धीरे स्वदेशी की जो भावना है वो कम होती गई। आज फिर से उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इस बात में बहुत बल है कि अगर हम अपने नियरेस्ट एंटरप्रेन्योर, नियरेस्ट बिजनेसमैन को मदद करेंगे तो एक कल्चर बनेगा। हम सभी लोग मिलकर के एक दूसरे की मदद करने की भावना शुरू कर देंगे और इससे हमारे पड़ोसी बिजनेसमैन, हमारे पड़ोसी एंटरप्रेन्योर को एक आर्थिक सहायता भी मिलेगी और बिजनेस करने के लिए उसको सपोर्ट मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि अगर क्वालिटी लगभग एक जैसी है तो कोशिश ये करें कि अपने नेक्स्ट डोर नेबर से माल खरीदें, अपने नेक्स्ट डोर इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करें, अपने नेक्स्ट डोर ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करें, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन आएगा मदद करने के।